सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आज मैं आपको काली माता की मूर्ति बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने तीन अच्छे से कील को ठोक लिया है और एक तार लिया है मैंने, उसको बीच से मोड़ा है और दोनों साइड से अच्छे से दोनों सिरों को मैंने बांध दिया है कील में पतले वाले तार से। तो अब मैं बना रही हूँ महादेव। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाई स्टेप मैं किस तरह से महादेव की बॉडी को बना रही हूँ। और यदि आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। तो गाइस, ये है मेरे पास मोल्ड जो कि मैंने बनाया था। इसी से मैं फेस बनाऊंगी क्योंकि मुझे मूर्ति बनानी होती है कोई ना कोई, और फेस बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए मैंने मोल्ड बना के रखा है अपने लिए ताकि फटाफट इससे फेस बन जाए। तो अब महादेव जी के हाथ बना रही हूँ मैं गाइस। और ये है डमरू, डमरू को डिज़ाइन करेंगे हम। तो फिंगर की हेल्प से और अंगूठे की हेल्प से थोड़ा सा हम डिज़ाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से डमरू की तरह। और वीडियो से लेके आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, टूल की हेल्प से अच्छे से थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे हम इसे। आप देख सकते हैं गाइस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। सो गाइस, ये बन गया है डमरू, इसको हम रख देंगे महादेव के हाथ में और महादेव का हाथ बनाएंगे हम। तो डिज़ाइन हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम पैर की डिज़ाइन कर लेते हैं। सो गाइस, जो पैर होते हैं हम उसकी थोड़ी सी हम डिज़ाइन करेंगे एंड बॉडी वगैरह को अच्छे से हम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हाथों की बॉडी बनाएंगे, हाथ पैर दोनों की बॉडी बनाएंगे अच्छे से। और ये है महादेव के कपड़े जो कि हम बाद में डिज़ाइन करेंगे, पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं सभी को। ये है महादेव की जटाएं। सो गाइस, अब मेरे साथ बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं माता की मूर्ति। अब बनाएंगे महादेव जी की जटा। सो गाइस, टूल की हेल्प से मैं अच्छे से जटा को डिज़ाइन कर रही हूँ, देख सकते हैं आप सभी। सो अच्छे से पूरी जटा को डिज़ाइन करेंगे। सो गाइस, महादेव के कपड़े पे मैंने अच्छे से डिज़ाइन कर दिया है टूल की हेल्प से। अब माता जी को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने माता के पैर बनाए हैं, अब बॉडी बना रही हूँ ऊपर से। अब अच्छे से मैं पतले वाले तार जोड़ूंगी ताकि हम हाथ बनाएं तो हाथ मजबूत बने। और अब बॉडी को हम अच्छे से शेप देंगे। थोड़ा सा हम कमर को शेप में बनाएंगे ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे कि हाँ इंसान की बॉडी है। सो गाइस, आप देखते रहिए मैं कहाँ पे कितनी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। और यदि आप माता की मूर्ति बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ बना सकते हैं गाइस, वीडियो को स्लो मोशन में करके। मेरे साथ साथ बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। सो ये है पतले वाले तार, इसको हम कुछ इस तरह से मोड़ेंगे। अब हम लगाएंगे इसमें मिट्टी। पीछे वाले हाथ में भी लगाएंगे अच्छे से। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी करेंगे।
ये है मेरे पास महाकाली का मोल्ड जो कि मैंने ही बनाया था। इसमें मैं लगाऊंगी मिट्टी और उसके बाद फेस लगा दूंगी अच्छे से। सो माता की बॉडी बन गई है, अब हम इसको चिकना करेंगे ब्रश और पानी की हेल्प से। अब थोड़ा सा हम हाथों को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अभी थोड़ा सा हाथ गीला लग रहा है मुझे, इसीलिए हम पहले बाल और बाकी की चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे हाथ को। तो अभी मैं बालों को डिज़ाइन कर रही हूँ। सो गाइस, थोड़ा थोड़ा करके मैं हाथों को भी बनाऊंगी, क्योंकि ये क्ले अभी सॉफ्ट है, इसीलिए थोड़ा हम टाइम देंगे हाथों को ड्राई होने में, उसके बाद हम बनाएंगे। तो ये बना रही हूँ राक्षसों के हाथ, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। सो गाइस, अब बनाएंगे अंगूठा। और ऊपर हम थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे जैसे कि मांस वगैरह दिख रहा हो इसका। और एक टूल की हेल्प से हम इसमें छेद करेंगे। सो ये है मेरे पास क्ले, इसको मैंने चपटा किया है। और अब बनाएंगे हम माता के कपड़े, और ये हाथ से भी हम थोड़ा सा नीचे का कपड़े बनाएंगे। तो गाइस, सारे हाथ मैंने लगा दिए हैं, अब हार को डिज़ाइन कर रही हूँ मैं। अच्छे से हम बालों को डिज़ाइन करेंगे। सो गाइस, अब हम हाथ में बनाएंगे खड़ा, सॉरी कटोरा, कटोरा बनाएंगे जिसमें क्या पता खड़ा क्या कटोरा, जो भी है इसको हम बनाएंगे, इसमें हम खून रखेंगे। तो ये बन गया है। और एक हाथ में हम बनाएंगे राक्षस का फेस, और इस हाथ को हम बनाएंगे आशीर्वाद देते हुए। अब बनाएंगे पैर, ये है राक्षस का फेस, इसके अंदर हमने बीच में से लगाया है धागा डबल करके, डबल तिबल करके। सो गाइस, अब मैं बनाऊंगी अच्छे से राक्षस का फेस। ये गाइस, मैंने धागा इसमें इसलिए लगाया है ताकि माता को हम जब इसका फेस पकड़ाएं तो अच्छे से पकड़ा जाए। इसके बनाएंगे मूछें बड़ी बड़ी। तो ये है इसके सींग, दूसरे साइड से भी बनाएंगे। तो ये है माता के हाथ में, हम इसको चिपका देंगे। उसके बाद मैं तलवार को डिज़ाइन करूँगी, उसको हम थोड़ा ड्राई होने देते हैं तब तक, उंगलियाँ हम बाद में बनाएंगे। सो गाइस, ये है कटाल जो कि मैं बना रही हूँ। ये मैंने अपनी मर्जी से ही डिज़ाइन किया है। सो अच्छे से मैं इसमें मिट्टी लपेटूंगी। अब अच्छे से हम फिंगर बनाएंगे माता की। और ये है हथेली। और अब बनाएंगे हम दूसरा हाथ आशीर्वाद देते हुए, एक एक करके हम सारी उंगलियां लगा लेंगे। सो गाइस, ये है अंगूठा। अब थोड़ा सा हम शेप देंगे हाथ को। और ये है चांद महादेव के माथे पे। और अब लगाएंगे हम राक्षस के बाल। अच्छे से राक्षस के बालों को हम माता के हाथ में देंगे,
और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम उंगलियां लगा देंगे। तो देखिए गाइस कुछ इस तरह से। महादेव की भी हम उंगलियां बनाएंगे। तो एक एक करके हम 5 उंगलियां बना देंगे और रुद्राक्ष भी बना देंगे। उसके बाद गाइस हमारी मूर्ति बनके रेडी है। अब मैं करूंगी माता की मूर्ति को कलर। कलर बनाने के लिए मैंने ब्लू कलर में हल्का सा ब्लैक कलर यूज़ किया है। इसी को मैं पूरी बॉडी में करूंगी। आप देख सकते हैं बाल थोड़े ब्लैक लग रहे हैं और बॉडी हल्की सी ब्लू लग रही है, लाइक स्याही की तरह, स्याही कलर की तरह। अब मैं आईज को ड्रॉ कर रही हूँ गाइस। तो अच्छे से हम आईज ड्रॉ करेंगे। अब अच्छे से हम माता की जो फेस की डिज़ाइन है उसको बनाएंगे एक एक करके। पहले आंखों के ऊपर हम रेड कलर से डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आईब्रो के ऊपर हम रेड कलर से डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद सेम डिज़ाइन हम थर्ड आई के ऊपर भी करेंगे। सो गाइस अब मैंने माता की आईज अच्छे से खोल दी है। अब महादेव की ड्रेस में कलर कर रही हूँ गाइस, और राक्षस के फेस में भी कलर करूँगी अच्छे से। और इसके सींग में मैं करूँगी ब्राउन कलर। नीचे जो हमने डिज़ाइन किया है धागे से, इसको हम थोड़ा ब्लड टाइप में कर देंगे, जैसे कि ब्लड इसमें से गिर रहा हो। और राक्षस के जो हाथ हमने बनाए हैं उसमें भी मैंने अच्छे से ब्लड लगा दिया है। और कटोरा जो था उसमें भी मैंने ब्लड की तरह दे दिया है कलर से। आइस को हम थोड़ा सा लाल करेंगे अंदर से, रेड। और अब कटाल को कलर करेंगे गोल्डन कलर से। तो ये है डमरू, इसको भी हम अच्छे से कलर करेंगे। सो गाइस डमरू भी कलर हो गया है। अब अच्छे से महादेव के जो नीचे का कपड़ा है उसको हम कलर करेंगे। अब अच्छे से महादेव की आईज को हम कलर करेंगे ब्लैक कलर से। सांप को कलर करेंगे ब्लैक कलर से। और ये है मुंडमाला जो कि मैंने पहना दी है। और ये मेरे पास कुछ लेस है गोल्डन कलर की, इसी को मैं लगाऊंगी फेविक्विक की हेल्प से। सो ये है मेरे पास छोटा सा मुकुट, इसको भी मैं लगा दूंगी। और ये जेवर मैंने हाथों से बनाए हैं, हार और कान की कुंडल। ये है मेरे पास रेत, नॉर्मल रेत, इसमें मैं मिलाऊंगी येलो कलर एंड थोड़ा सा रेड कलर। और मिलाने के बाद अच्छे से इसको अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद नीचे के जो बैकग्राउंड है उसमें हम अच्छे से इसको लगा देंगे, ताकि देखने में थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा लगे। सो अब मैं कर रही हूँ त्रिशूल को कलर। उसके लिए मेरे पास ये है ग्रैंड टोन का गोल्डन कलर, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। सो अच्छे से हम इसको कलर करेंगे। सो गाइस यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और आप कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये कलर हो गया है, मैंने इसको रख दिया है महादेव के पास। सो गाइस फाइनल लुक बन के रेडी है। आपको कैसा लगा माता का ये लुक? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ज़रूर से।
यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।